हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जापान ने दुनिया की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। आज भारत में आने के बाद जो टेक्नोलॉजी हमें नई लगती है वह जापान में पुरानी कही जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ उन टेक्नोलॉजी के बारे में जिनकी वजह से जापान को दुनिया जानती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। नंबर वन, मल्टी लेवल कार पार्किंग। दोस्तों, जापान में कारों की पार्किंग एक बड़ी समस्या थी जिसका एक यूनिक हल निकाला एक जापान इंजीनियर ने। जापान में अब पार्किंग के लिए अलग से पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं, जिसमें एक लिफ्ट की मदद से कार्स को अलग अलग केबिन्स में भेज दिया जाता है। यह जगह सेव करता है और साथ ही इसमें कार सेफ भी रहती है। नंबर टू, कैप्सूल्स होटल। दोस्तों, जापान के कैप्सूल होटल देखने में काफी अजीब होते हैं, पर इनमें हर वह भी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं जो आम होटल्स में आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर एक बेड के साथ सब कुछ इन छोटे से कैप्सूल में अवेलेबल होता है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ज्यादा महंगे होटल अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर थ्री, रोड साइड शॉप। जापान में जब आप हाईवे पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह की शॉप देखने को मिल जाती है। यह शॉप को किसी इंसान या रोबोट की मदद से हैंडल नहीं की जाती, बल्कि इन शॉप्स में केवल सामान रखा जाता है। वहाँ के किसान अपना सामान रखते हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ से सामान लेते हैं और पैसे वहीं रख जाते हैं। इस तकनीक से लोगों का टाइम बचता है और जापान में ईमानदारी देखने को मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज इंडिया में होती तो क्या होता, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर फोर, ब्लैक फ्राइज। दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज तो आप सभी ने खाई होगी और आज मार्केट में कई तरह की फ्रेंच फ्राइज देखने को मिल जाती है, लेकिन यह ब्लैक फ्रेंच फ्राइज आपको केवल जापान में ही देखने को मिलेगी, जिसे काले आलू से बनाया जाता है। यह देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे इन्हें जला दिया गया हो, लेकिन जापानी मानते हैं कि यह फ्रेंच फ्राइज बेहद टेस्टी होती है और जापान में इन्हें काफ़ी हेल्दी माना जाता है, जिस वजह से यह जापान के लगभग हर रेस्टोरेंट और कैफे में देखने को मिल जाती है। अगर आपको कभी जापान जाने का मौका मिले तो ब्लैक फ्राइज को जरूर टेस्ट करना। नंबर फाइव, टेक टॉयलेट। दोस्तों, जापान में यूज किए जाने वाले टॉयलेट बहुत टेक्निकल होते हैं। जापानी टॉयलेट में आप टेम्परेचर कंट्रोल करने से लेकर फ्रेग्रेंस तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। जापानी टॉयलेट काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। इन टॉयलेट सीट का टेम्परेचर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जापान के नॉर्मल घरों में इसी तरह के टॉयलेट यूज किए जाते हैं जो टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। नंबर सिक्स, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, अब जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, और ये है बुलेट ट्रेन। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां बुलेट ट्रेन को बनाने का काम भारत में अभी शुरू हुआ है, वहीं जापान ने आज से 50 साल पहले यानी कि 1964 में पहली बुलेट ट्रेन जापान में लॉन्च कर दी गई थी। इससे जापान में लोगों का समय बचता है और कम पैसों में ज्यादा दूरी तक लोग ट्रेवल कर लेते हैं। यही वजह है कि जापान आज टेक्नोलॉजी के मामले भारत से बहुत आगे है। नंबर सेवन, स्पेस एलिवेटर। आज तक जितने भी लोग स्पेस में गए हैं सबने रॉकेट का इस्तेमाल किया है, पर अब जापान की एक कंपनी ने स्पेस तक एलिवेटर बनाने का जिम्मा उठाया है। कार्बन नैनो ट्यूब के इस्तेमाल से बना यह एलिवेटर धरती को स्पेस से जोड़ेगा, जहां नॉर्मल इंसान भी जा पाएगा। एक खबर के मुताबिक 2035 तक यह प्रोजेक्ट जापान में बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कि जापान देश टेक्नोलॉजी की बाबत में कितना आगे है। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करना और इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पसंद आई वो हमें कमेंट जरूर करना। ओके, बाय।